पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसके बाद कई विद्यालयों में अभिभावक पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल पर पहुंचे अभिभावकों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सभी का ये कहना था कि हमारे बच्चों के नंबर कम आए हैं, तो वहीं कॉलेज प्रशासन का ये कहना है कि पिछले वर्ष ये आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल सूर्यांश स्कूल के नाम से जाना जाता था, अब हमने इसको टेक ओवर किया है और इसका नाम आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल रखा है। जो मेहनत बच्चों ने पिछले वर्ष की थी उसी के आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया है, इसमें स्कूल की कोई लापरवाही नहीं है। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि हर संभव मदद करने के लिए स्कूल भी काम करेगा। आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने कम नंबर आने पर स्कूल के स्टाफ पर आरोप लगाकर किया प्रदर्शन, शीघ्र समाधान की मांग। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रामपुर रोड किनारे बने आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने रिजल्ट को लेकर के कम नंबर आने पर स्कूल के अंदर अपने माता पिता के साथ पहुंचकर स्कूल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और स्कूल के गेट पर सभी छात्र छात्राओं ने एकजुट होकर के स्कूल स्टाफ और स्कूल के नाम से मुरादाबाद हाय हाय के नारे भी लगाए। छात्रों का कहना है कि स्कूल स्टाफ की वजह से ही हम लोगों के मार्कशीट में नंबर कम दिए गए हैं, जिसमें आज हमने विरोध जताते हुए सरकार और मुरादाबाद शासन से मांग की है कि हमारे मार्कशीट के नंबर चेक किए जाएं और पिछले रिजल्ट के साथ साथ इस साल के रिजल्ट को भी चेक किया जाए और जिसकी लापरवाही पाई जाए उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। परसेंटेज बहुत कम बनी है टेंथ में, बिल्कुल भी मतलब जिस हिसाब से पढ़ाई की थी उस हिसाब से कोई परसेंटेज नहीं आई है। किसकी लापरवाही मानते हैं बेटे? स्कूल की। बेटा यहाँ टेंथ में पढ़ता था और अभी उसका रिजल्ट अपीयर हुआ है और उसको सिर्फ 53% मार्क्स बोले गए हैं जो मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है यहाँ का रिजल्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सारे, क्योंकि किसी भी सीबीएसई स्कूल में इतना पुअर रिजल्ट नहीं रहा है। फेल हो जाने पर सभी छात्र निराश और दुखी दिखाई दिए और स्कूल प्रबंधक व स्टाफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हाय हाय मुरादाबाद के घंटों तक स्कूल के गेट पर नारे लगाए। क्लास 10 के रिजल्ट से बच्चे और पेरेंट्स असंतुष्ट हैं, उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये रहा कि विगत में इस स्कूल का जो एवरेज था वो खराब था और सीबीएसई की जो टेबुलेशन पॉलिसी थी उसमें सीबीएसई ने हमको स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी थी कि आप जो रेफरेंस ईयर, जो कि सीबीएसई ने और ये रेफरेंस ईयर को मेल भी सीबीएसई ने किया, कि इस रेफरेंस ईयर के एवरेज को आपको हर हालत में मैच करना है और जो सब स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट है वो परसेंटेज में भी मैच करना चाहिए। तो चूंकि विगत में स्कूल का एवरेज कम था इसीलिए रिजल्ट का एवरेज कम रहा है। इसके लिए सीबीएसई को भी इस बात का अंदेशा था कि इस टेबुलेशन पॉलिसी से लोग संतुष्ट नहीं होंगे और ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया चीज़ है, इसलिए सीबीएसई ने, जैसे अभी क्लास 10 का सर्कुलर तो नहीं आया लेकिन क्लास 12 में उसने बोल दिया, ये सर्कुलर है कि जो लोग इस टेबुलेशन पॉलिसी से जो मार्क्स से जो अवॉर्ड किया गया है उससे संतुष्ट नहीं है वो फिर से री एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके लिए उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो एक ऑप्शन पेरेंट्स के या बच्चों के पास है कि जब सीबीएसई एग्ज़ाम लेगा वो एग्ज़ाम देके अपना परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं। देखिए विगत में क्या हुआ इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विगत का रिजल्ट का ही ये परिणाम है। हाँ, हमने जब से इस स्कूल को टेक ओवर किया तब से हम स्कूल में लगातार सुधार कर रहे हैं और हमने, हमारा वादा भी है कि हम इसको सुधार कर ले जाएंगे। अच्छा, उन माता पिता को क्या आश्वासन दिया जो बच्चों को, जो सीबीएसई ने हमको आश्वासन दिया है कि आप उनसे कहिए अगर वो असंतुष्ट हैं तो वो एग्ज़ाम दे दें फिर से बैठ लें, उनके लिए एग्ज़ाम में कंडक्ट कराया जाएगा।